आज की दुनिया में हम सब लोग घड़ी की सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं, अर्थात सभी लोग समय के हिसाब से जगते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं और सोते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उस समय के लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी ही नहीं हुआ करती थी। इसका उत्तर ये है कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सूरज की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगा लेते थे, लेकिन आकाश में बादल होने की स्थिति में मामला फंस जाता था, इसलिए लोगों ने जल घड़ी का आविष्कार किया जिसका श्रेय चीन को जाता है, जहां पर सुसंग नामक व्यक्ति ने जल घड़ी बनाई थी। हालांकि लगभग 2500 साल पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाया करती थी। घड़ी के आविष्कार का श्रेय जाता है पॉप सिल्वेस्टर द्वितीय को, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा था। इसके अलावा सन 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में घड़ियां लगाई गई थी। हालांकि इस समय बनी यह घड़ियां आज की तरह की कंप्लीट घड़ी नहीं थी। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉसबर्गी ने किया था। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हैनलेन ने ऐसी घड़ी बनाई थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता था। वर्तमान में हम हाथ में जो घड़ी पहनते हैं वैसी पहली घड़ी फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रख कर घूमते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध दिया ताकि वो काम करते समय घड़ी देख सके। ऐसा नहीं है कि भारत में समय देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। दरअसल भारत में 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण भी कराया गया था ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उससे बनी परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण कराया था। इन सभी का निर्माण 1724 और 1735 के बीच पूरा कराया गया था।